कितने लोगों का आंसर आ गया, इसलिए बातें कर रहे थे तुम लोग। एन पी फाइव अपॉन एन पी थ्री इजिकल टू 2:1 है, तो एन पी फाइव मतलब एन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये क्या हो जाएगा, एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर बराबर दो, तो इसकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी एन स्क्वायर माइनस सेवन एन प्लस 12, और उधर से दो आके घट जाएगा और वो एन क्वाड्रेटिक सॉल्व होके दो आंसर आ जाएंगे, एन स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी एन स्क्वायर माइनस सेवन एन प्लस 10 बराबर जीरो, तो दो और पांच बनेंगे फैक्टर, तो दो और पांच आंसर। हाँ सिर्फ पांच आंसर। उसकी जगह ऐसा भी तो हो सकता है कि n माइनस थ्री बड़ा है और n माइनस फोर छोटा है और डिफरेंस वन का है, तो ये जो टू है वो किसी ऐसे दो नंबर का प्रोडक्ट है, चेहरे से हाथ हटाओ, जिसका डिफरेंस वन है, टू इंटू वन, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो बड़े को बड़े से ही कंपेयर करना चाहिए, एन माइनस थ्री बराबर दो, एन बराबर पांच आंसर। तुमने गलती से इसको इससे कर दिया तो भी, मगर आपने बड़े को छोटे से कर दिया तो गलत आंसर आ जाएगा। अच्छा क्या कोई और भी इस दुनिया में दो नंबर है जिसका प्रोडक्ट करने पे टू मिलेगा, उसमें बड़ा माइनस वन छोटा कौन, तो बड़े को बड़े से ही करना है, तो n माइनस थ्री बराबर माइनस वन, तो n बराबर टू, आप इसको इससे कर लू तो भी वही आएगा, तो क्वाड्रेटिक में दो आंसर आते हैं, इसलिए यहां भी दो आए, टू और फाइव, ये मेरा मेथड, ठीक है। तो टू आज के गणितज्ञों की वजह से खारिज हो जाएगा, क्योंकि दो चीजों में से तीन चीजें नहीं उठाई जा सकती, अरे हाँ ना, क्योंकि नहीं तो 0:0 हो जाएगा, इसलिए शायद वो गणितज्ञ नहीं मानते होंगे। तो n बराबर फाइव किस किस का आ गया, वाह यार क्या बात है, कोई बहुत अच्छा व्यक्ति आपको मैथ्स पढ़ा रहा, मतलब अरे हाँ ना, इसमें भी श्रेय है तो मैं ही ले जाऊंगा, तुमसे नहीं बनता तो तुम ना लायक, और बनता है तो मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं ऐसा, अरे हाँ चिट भी मेरी पट भी मेरी है ना, हाथ नीचे कर। अगला क्वेश्चन 56 पी आर प्लस सिक्स इज टू, 54 पी आर प्लस थ्री, आर आपको बताना है, आज की हेडिंग कहां डाली दी थी तुमने, नहीं वो वहां से वहां तक डालनी है, श्रीराम से लेके तारीख तक, और महेश भाई सुहाग तो खास लिखना है, उसका तो ऐसा है कि हर पेज पे लिखते रहा करो, फ्री बैठे हो लिखते रहो, खाना खा रहे हो थाली में, रोटी आने में देर है तो थाली में सब्जी फैल जाती है ना, उसमें लिखो, अरे हाँ ना, बिन सुहाग सब सुन, ऐसा होता है कि नहीं होता। आज 11th का टेस्ट जिन बच्चों ने दिया था और सॉल्यूशन ना ले पाए हो, भूल गए हो, तो हाथ उठाओ, जिन्होंने टेस्ट दिया हो वही, ये तीन ही है ना, और तीन नहीं दो ही है और तीन हाथ उठे हुए, ये दीदी आप दोनों के बीच इसको अभी थोड़ी देर एक रखो, एक राम सागर के पास जाने दो। 12th का टेस्ट दिया और सॉल्यूशन लेना भूल गए तो हाथ उठाओ, ड्रापर लोग ऐसे जो 12th का टेस्ट नहीं दे पाए हो मगर उनको देना था, कल दोगे, हाँ तो फिर कल दे सकते हो भाई, ऑप्शन खुला है, नहीं तो अभी आप पेपर सॉल्यूशन ले लोगे ना तो वो घर पे कभी सॉल्व नहीं होता, ये सच है। चलो ये किस किस से बना, उरी इतने सारों से आंसर कैसे आ रहा है यार, बोर्ड पे देखना भाई, फोर्थ नहीं है ये सेकंड है, कौन सी मैडम, उनसे कहना परमुटेशन का एक आध बताओ, कुछ समझाओ थोड़ा,
हाँ ना वेलकम, क्योंकि ये लिखा है मैंने भाई, सेकंड लेक्चर। उस दिन तीन स्लॉट थे, 1 2 3। आओ ना तुम, मैं तो बोल रहा हूँ। और मैडम को बोलो कि क्लासरूम के लिए कुछ भी स्टेटमेंट आप लोग बाहर बैठे बैठे ना दिया करो। वो उस चक्कर में वो भाजपा जीत गई, किसने नीच बोल दिया था मोदी को, कांग्रेस के कर्मचारी ने। वैसे हमारे कर्मचारी कुछ भी बोलते हैं बैठे बैठे, है ना, उनको ये समझाओ। कौन था वो, कौन था वो, मणिशंकर अय्यर। अरे हाँ ना, कुछ भी बोलते हैं बाहर बैठे बैठे। फोर्थ लेक्चर चल रहे हैं, सेकंड है। अरे यस, आओ, बातें ना करें, भेजो उसको भी। कौन है? तो देखो साहब, 56 डाट, 55 डाट, डाट 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 डाट, आखिरी आइटम कौन? 56 माइनस, यही सीखा था पक्का, एन माइनस आर प्लस वन। तो 56 में से 6 गए और एक, अरे सही है क्या? हाँ, अच्छा उसका बोलो, ये कहाँ तक जाएगा? 54 माइनस, सही है। तो ये एक्चुअली क्या है? 52। तो 51 माइनस आर के पहले क्या होगा? 53 के पहले क्या है? एक बड़ा। तो इससे एक बड़ा कौन है? अरे उसको पढ़ने दो ना यार, 2D पढ़नी है। आप लोग क्यों बच्चों को टेंशन दे रहे हो? उसको 2D पढ़नी है ना भाई तेरे को। मेरे से बात करा मैंने कंप्यूटर पे, उसको ऑन करके दिया। हाँ, और ये कौन सी बच्ची ने डायरेक्ट उसको बोल दिया कि फोर्थ लेक्चर है? उससे आपने सुना, आपने उसको बोला? मत करो ना, मेरे को पढ़ान दो ना। आप लोग क्यों बार बार क्लास में सीधे चले आते हो? वो कल सोनू भी अंदर आ गया कि दाने ले लो। इसके जस्ट पहले क्या होता है? 50 माइनस आर, इसके जस्ट पहले क्या होगा? क्या होगा? 52 माइनस आर। हाँ, और ये सारे मरेंगे, तुम सब मरोगे। अरे हाँ, तो क्या बचा? 56 इंटू 55 इंटू 51 माइनस आर। अरे हाँ, इसका मल्टीप्लाई बोलो, 3 0, 41 आंसर वाले हाथ उठाएंगे। बधाई हो, बातें ना करें। अगला क्वेश्चन, नीचे का मिटा दूं पिछला, देखिएगा। 2n+1 से छोटा नंबर 2n, उससे छोटा डट 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 डट, इसमें से इसको घटाया, 2n+1 माइनस, सही है। तो ये मेरे ख्याल से n+3 हो रहा है। अब नीचे का देखते, 2n-1, 2n-2, डॉट 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 डॉट, 2n-1 माइनस n+1, सही लिखा क्या? हाय देखो ना, तो ये कितना हुआ? तो n के पहले क्या होगा? उसके पहले और उसके पहले, तो ये एक्चुअली ऐसा कटेगा। अरे हाँ ना, इसी को ये लिखा है मैंने, और कहां से कहां तक कटेगा? ऐसा कटेगा क्या? तो क्या बचा? इज इक्वल टू क्या? और ये लोग सामने चले जाएंगे क्या? एन से एन कटेगा क्या? तो सही है, इतना ठीक है। इसमें तो क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, सही लिखा है क्या? आप बोलो कितना हो जाएगा? 3n² - 9, 4 3 12, 3n² - 12n+1n, 3n कॉमन निकल गया, n-4 = 0, n = -1/3, n = 4।
आपके भाई बहनों की संख्या? दो तीन चार। लेट कंसिडर आज और अभी आपके भाई का जन्म हो जाए, इतना सा होएगा वो। तो क्या हम ये बोलेंगे कि अभी आधा है, थोड़े दिनों में पूरा हो जाएगा? है ढाई भाई बहन कहलाओगे ऐसा कुछ? वो जब भी है जैसा भी है पूरा एक भाई है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी नंबर ऑफ भाई बहन ये पॉइंट में नहीं हो सकते, तो वो इंटीजर ही होना चाहिए। अरे हाँ, तो ये हो नहीं सकता। और एन बराबर चार वाले हाथ उठाओ। है नहीं नहीं दीदी, आया हो एन बराबर चार लिखा हो तो हाथ उठाओ, है ना? पड़ोसन का आया उसे ही अपना मान लो, ऐसा तो नहीं होगा ना? हाथ उठाओ हाथ उठाओ हाथ उठाओ हाथ उठाओ हाथ उठाओ हाथ उठाओ। अरे गोगिया, तुम्हारा आंसर नहीं आया यार, राम सागर का भी नहीं आया। अरे राहुल कर, क्या नाम तुम्हारा? माहुर कर भाई, कितने दिनों बाद तो तुम संडे को आए मेरे यहाँ। वाह यार, बहुत सारे 12th वालों का भी आंसर नहीं आया, बधाई हो। ये आगे भेजना है, तुम खाने मत लगना उसको, मेरे को आर पार बाहर चली जाएगी भाई। मिटा दूं क्या इसको? मिटा दूं? अरे सुनो भाई, कल मेरे बड़े भाई थे, उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था और 2011 में उनकी डेथ हो गई थी, मगर उनका जन्मदिन 25 दिसंबर को था, क्रिसमस डे। तो मैं किसी धर्म के किसी त्योहार की छुट्टी नहीं देता, ईद के दिन भी पढ़ाता हूँ और दिवाली के दिन भी पढ़ाया इस साल, मगर क्रिश्चियन लोग छुट्टी ले जाते हैं, बताओ। तो वो भैया के जन्मदिन वाले दिन मैं घर में रहता हूँ मम्मी के साथ, और उस दिन फिर पढ़ाने नहीं जाता। तो वीडियो लैब खुली रहेगी, 10th क्लास में लकी सर साइंस और मैथ्स दोनों ले लेंगे, आपकी क्लास भी मैं उनकी लगवा सकता था, मगर आप लोगों को क्या छुट्टी मिल नहीं पाती। मैं बीमार था तो भी उस दिन ड्रिप लगी हुई सिरिंज के साथ पढ़ाने आ गया था। तो आप भाई मतलब क्लास 11 लाइव ये बस कैंसिल है ऐसा, बाकी वीडियो लैब खुला रहेगा, 10th मैथ साइंस दोनों लगेगा, और उसमें भी मैथ्स कैंसिल है। हाँ नहीं तो तुम उधर फिजिक्स केमिस्ट्री में छुट्टी मार दो, मैथ्स कैंसिल है ऐसा। और इस दिन पार्टी करने के बाद अपना परमुटेशन का तीसरा लेक्चर रहेगा। अरे अपन यहां आके प्रैक्टिकल करेंगे ना, एक गुलाब जामुन कितने तरीके से खाया जा सकता है, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। भाई आपकी थाली में क्या क्या सामान है, तो एक व्यक्ति कितने तरीकों से पेट भर सकता, अकेली पूड़ी खा खा के, अकेले गुलाब जामुन खा खा के, दोनों खा खा के। अरे हाँ ना, गुलाब जामुन में आइसक्रीम डाल के कभी खाया है कि नहीं? बहुत स्वादिष्ट डिश है, गरम गुलाब जामुन हो और उसमें आप आइसक्रीम, अबे ठंडी होती है आइसक्रीम, वो अलग से बोलना नहीं पड़ता, बहुत जबरदस्त स्वाद आएगा, कभी खा के देखिएगा। कितने लोगों ने ये डिश खाई है? यस, बहुत स्वादिष्ट। चलिए एन पी आर बराबर 720 है, एन सी आर बराबर 120 है, तो आपको एन और आर दोनों बताना है। पिछला क्वेश्चन का सॉल्यूशन सभी लोग लिखते हुए चलना, और बांड वालों से पूछा कि डीजे वीजे मंगवा रहे हो कि नहीं पार्टी में, है? पार्टी शब्द का मतलब भी वही होता है,
कि ना खाना तो हमारे घर में भी मिलता है। अरे आप बोलो भाई। 2009 या 10 में मैंने मेरी बर्थडे पार्टी दी थी, तो छोटा सा डाउन फ्लोर में बनवा रहा था। तो अब वो बच्चे कहते हैं कि भैया डांस फ्लोर बड़ा करो, और फिर ऊपर से गर्ल्स होंगी उस पर तो हम नहीं चढ़ सकते, हमें तो वो नहीं। तो मैंने कहा यार खाना खाओ, खाना बहुत स्वादिष्ट रखवाया, अनलिमिटेड आइसक्रीम और सब रखा था मैंने। तो बच्चे कहते हैं खाना साहब हमारे घर में भी होता है। उस समय का एक स्टूडेंट का डायलॉग है ये कि आप डांस फ्लोर की व्यवस्था करो, खाना ही कैंसिल कर दो तुम तो। तो फिर मैंने जनरली जो डांस फ्लोर होते हैं वो 8 फीट बाई 8 फीट के होते हैं, 4 फीट बाई 4 फीट नहीं, जनरली जो लगे होते हैं शादी हॉल शादियों में, मैंने 16 फीट बाई 16 फीट के 2 सेपरेट बनवा दिए थे। और उसमें एक स्टूडेंट था जिसकी हेल्थ हाइट मुझसे भी ज़्यादा, और एक केमिस्ट्री के सर थे नीरज सिंह चौहान, अभी शर्मा है इनकी बात नहीं चल रही। तो नीरज सिंह चौहान बेचारे दुबले पतले कम हाइट के, अब वो डांस गाना चल रहा, नीरज सर भी आ गए फ्लोर पे, वो बच्चे ने उनको उठा लिया, और वो अक्षय कुमार यूं करता है ना इधर से इधर लड़कियों को, वो नीरज सर को घुमाने लगा। चलो मिटाओ इसको, मिटा दूं। चलो ध्यान देना, मैंने आपसे कहा था कि एनपीआर का सही फार्मूला तो एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर होता है। अरे हाँ, तो एनसीआर बराबर 120 है और ये फैक्टोरियल आर है, ये 720 है, 0 से 0 कटा 12 सिक्सा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कितने लोगों का आर बराबर 3 कम से कम आ गया, हाथ नीचे करो। अब इसमें आप आर रख दो, NC3 बराबर 120 है, अरे हाँ, तो N n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 बराबर 120, तो N n-1 n-2 बराबर 720, जो कि होता है 10 × 9 × 8, तो N बराबर 10। बड़े को बड़े से ही कंपेयर करेंगे, N बराबर 10 वाले हाथ उठाओ, झूठे हाथ नहीं उठाना। और चौरसिया है, इस क्वेश्चन का रस नहीं ले पाए तुम, नाम है चौरसिया, चारों तरफ से रस लेने वाले। मिटा दूं इसको, मिटा दूं, बातें ना करें, सेम टू सेम लिखना। कितने बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सी भाषा लिखी है, हाथ उठा दो ईमानदारी से, हाथ उठा मिल्खा, अरे वो मिल्खा, हाँ मुझे मालूम है ना किसको आता है किसको नहीं आता, हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ, तुम्हारा हाथ दूसरों को भी दिखना चाहिए, उठाओ और उठाओ, पोलियो है क्या हाथ में, उठा अच्छे से उठा, वो आखिरी वाले उठा हाथ, 4 बच्चों को नहीं मालूम। NCR को N और नीचे R लिखते हैं, अपोन की डंडी नहीं लगाते। ये जो लिखा है ना, ये NC12 लिखा है, NC12 बराबर NC8 है, तो 22CN बताइए, IIT की कोडिंग है ये, IIT ऐसे पूछती है। कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, अपॉन की डंडी में स्प्रिंट हो गई, लाओ मैं लगा दूं, क्या है किसकी बॉटल मांग रहे हो, कौन कौन लाया है, पानी चाहिए, पानी पीकर आ भाई बाहर जाके, पागल कहीं का। मिटा दिया जाए क्या इसको, NC12 इज इक्वल टू NC8 है। तो हमने क्या सीखा था, 12 प्लस 8 बराबर ऊपर की चीज, तो N बराबर कितना, तो हमें क्या निकालना है, यानी कि हम 22 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 20 बार लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 22 × 21 अपॉन क्या,
वन वन इंटू टू, इधर वन उधर, टू और वन का सम थ्री, टू थ्री वन वाले हाथ उड़ा है नहीं है? अरे दीदी ऐसे आधी आधी जिंदगी थोड़ी होती है, पूरी दीदी पूरा आंसर नहीं आया, बहुत सारों का नहीं आया। अरे ये क्या हो गया, ये नीचे रखो बैग, बैग क्या है गोदी में फेंक दो उसे, और रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, पीछे सरक के बैठो, आगे बढ़ो। आर बराबर थ्री निकालना, क्या कुछ कह रहे हो अपूर्व? आर की वैल्यू निकालना, क्या हो गया, सॉल्व करना भाई, तो फ्री मत बैठो। परम्यूटेशन का पैकेज बांटा था मैंने, पीएनसी का पैकेज कितने बच्चों को नहीं मिल पाया, हाथ उठाओ। पूरी पैकेज तो बहुत छपा था, रुको मैं देखता हूं, बातें ना करें। हाँ अरे बातें मत करो यार, हाथ उठाओ, परमू का पैकेज कितने लोगों को नहीं मिल पाया, घर पे उनके रखा है तो डबल में नहीं लेना, हाथ उठा, हाथ उठा के रखो तो आपकी तरफ गड्डी चलेगी। हाँ बढ़ाओ बढ़ाओ, हाथ उठा के रखो तो उस तरफ जाए, मिटा दूं? ऐसा नहीं होता ना कि एक घर पे तो मैं दूसरी मिल जा, शीट मिटा दूं इसको, बातें ना करें। या तो ऐसा हो सकता है कि 3R खुद इक्वल हो जाए किससे, अरे बेस की चीज सेम हो जाए, या ऐसा हो सकता है हमने पढ़ा था इन दोनों का सम इसके बराबर, तो 2R बराबर 3, R बराबर भाई बहनों की संख्या पॉइंट में नहीं हो सकती, वाले हाथ उठाओ। हुई सबसे बन गया यार, सरल पढ़ रही है ये चैप्टर है ना, आगे बढ़ो। मिटा दो इसको, मिटा दो, वो बचे हुए परमू के पैकेज वापस भेजो भाई, हाँ आगे भेज दो भाई, भेजो भेजो, हाँ भेजो, चलने दो भाई गाड़ी, भेजना हाँ? अरे तेरे को मिला है ना, घर पे है ना, तो अभी तक तूने हाथ नहीं उठाया, ऑप्शन दे दिया। अटेंडेंस का रजिस्टर कहाँ है? हाँ तो चालू करो, आज की डेट हेडिंग डालो और उस पर स्लॉट लिखना, 1:07 से 3:30। अरे कलम चला, मैंने सुना बहुत इजी चैप्टर है, मिटा दूं? हाँ ऑप्शन मिटा दूं? कितने लोगों ने ए आंसर निकाला, ए मतलब सबसे ऊपर वाला, बी नखुन मत खाओ, सी डी ले, हाँ डी हाथ उठाओ ना यार, वही तो मैं कहूँ, छिपा खान, मानसी माथुर, मोनिश नायक, कनिष्क रजक, आइए देखिएगा। मेथड वन, आर की जगह जीरो रखेंगे, फिर यहां तक सही है क्या? बड़े गौर से गेम समझना, हेलो हाय इधर देखना, एन सी एन की वैल्यू कितनी, वन, क्या बात, एन प्लस वन सी एन प्लस वन की वैल्यू कितनी, वो भी वन ना, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, बाकी किसी को कोई छेड़छाड़ नहीं करी अपन ने, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? एन प्लस आर प्लस एन प्लस आर प्लस वन इज इक्वल टू, पढ़ा था एन प्लस वन सी आर प्लस वन, हेलो, तो ये दोनों सेम, नीचे डिफरेंस ऑफ वन है, तो क्या हो जाएगा इन दोनों में से, बिग प्लस एन प्लस टू सी एन प्लस थ्री सी एन, ठीक है बाप, अब इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो कौन पैदा होगा, एन प्लस थ्री सी एन प्लस डट डट डट, अब इन दोनों का हुआ तो कौन दुनिया में आया, एन प्लस फोर सी एन प्लस वन, ऐसे गड्डी चली छलंदा मारनी है, इसके साथ भी जब हो जाएगा तो फाइनल आइटम कौन, एन प्लस वन
प्लस वन ये ना प्लस ए एम प्लस वन प्लस सी पलानसर। अरे ठीक है ना, बातें ना करें। इसका नाम मैंने रखा था मेथड वन, तो मेथड टू भी होगी ना, कोई तो होगी। आइए देखिएगा, मिटा दिया जाए, बातें ना करें। आप एन की जगह फाइव ले लो तो अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फाइव प्लस आर सी फाइव, और एम की जगह टू ले लो या वन ले लो तुम, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये फाइव सी फाइव सिक्स सी फाइव, यानी कि वन प्लस सिक्स बराबर कितना, तो एन पांच है एम वन है, तो पांच और एक छः और एक सात, सात सी सिक्स, सेवन सी सिक्स इजिकल टू सेवन सी वन, सेवन टिक लगा दो। ये क्या है, एट सी फाइव नहीं हो सकता, ये नाइन सी फोर नहीं हो सकता। आंसर मेथड टू शॉर्ट ट्रिक, आप जो दिल चाहे एज्यूम कर सकते हैं, मगर कम से कम करना, एम कम से कम करना, नहीं तो यहां चार पांच तक जोड़ते जा रहे हो, फिर वहां पुट कर रहे हो, जीवन खराब हो जाएगा। बातें ना करें, मिटा दो इसको, आगे बढ़ो, बात ना करें। आर की वैल्यू बताना है, फाइंड आर, फाइंड आर, बातें ना करें। कितने लोगों से बना, कितने लोग कह रहे हैं कि ऊपर नीचे सब कुछ कट गया, कुछ बचा ही नहीं, आर कैसे निकले, हाथ नीचे करो। कितने लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ऊपर नीचे सब कुछ कट गया, आर बचा ही नहीं, तो अब कैसे हम सॉल्व करें, हाथ उठाओ। ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। सी की जगह पी मन में सोचोगे और पी का फार्मूला लगाओगे तो ऐसा हो जाएगा। ये सी है, इसमें नीचे फैक्टोरियल भी आके बैठता है, तो एक्चुअली ऊपर का कट गया होगा, फैक्टोरियल की वजह से ही आंसर आया होगा। आइए देखिएगा साहब। हाँ पूरी दीदी कुछ कह रहे हो, आइए देखिएगा क्या हो गया। यहां देखो, छी छी फाइव अपॉन इलेवन, सीधे होके बैठो, दूसरा हाथ टेबल के ऊपर रखो, 28 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 28 27 26 25 24 23 डॉट 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 कहाँ तक, 28 माइनस 2R प्लस 1 यानी 29 माइनस 2R, नीचे क्या 24 23 डॉट 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 24 माइनस 2R माइनस 4 प्लस 1, नीचे क्या, हेलो हेलो, इधर देखो भैया, ये सब मरेंगे। सही है, इसलिए मैं कह रहा था यदि किसी बच्चे ने ये डिवाइड लगाना भूल गया होगा, पी लगा लिया होगा सी की जगह, तो गया। अब ये क्या घूम के ऊपर आ जाएगा क्या, और ये क्या हो गया, 28 27 टू आर माइनस 4 अपान, ये चीज इधर आएगी ना, अरे 26 25 कौन लिखेगा भाई, 26 और ठीक है ना, अरे सही है, ये 2R तो यहां आएगा ना भाई, क्या हो जाएगा भाई, अरे हाँ काट डाला अल्लाह काट डाला, 25 9 जा 9 ठीक है, तो 28 3 26 11 सही है, इतना सही है। कितने लोग कम से कम जहां तक पहुंच गए, हाथ नीचे करो, कितने लोगों ने इसके आगे इसे सॉल्व कर दिया, बहन बेटियों से ज्यादा हो गया,
कब का रिजल्ट है ये? आज का रिजल्ट है। अरे गजब यार, भारत तो हाईटेक हो गया। तो इतने ही बच्चों ने टेस्ट दिया था तो रिजल्ट आ गया। आज ये 12th का रिजल्ट है ना, क्लास 12th का टेस्ट किस किस ने दिया था वो हाथोड़ा। इन सबको ये एक एक दे दो, नाम भले उनका मैच नहीं हो, ये पेज ऊपर रखना और देते जा। ये इधर इधर बहन बेटियों को भी दो, हाथ उठा के रखना। आज का रिजल्ट आज ही निकाल दिया, गजब हो गया, कमाल हो गया। मतलब अरे किसको दे रहे हो? अच्छा तुम तो कल टेस्ट देना ना, तुम देना ना कल टेस्ट, लिस्ट निकलेगी यहाँ चेक होएगा। उनसे कहना कि भाई 11वीं का चेक करते तो ज़्यादा खुशी मिलती। क्यों, कुछ गलत हो गया क्या 11वीं में? गस 11वीं में गस गलत हो गया। फिजिक्स केमिस्ट्री भी थी ना आज तो। हाँ तो क्या गलत है? नहीं नहीं प्लस 4 माइनस 1 रहेगा तो 160 का मैथ्स है। अरे मतलब कुछ लोग टेस्ट दे के घर चले गए। हाथ उठाओ कितने लोग टेस्ट दिए थे OMR नहीं मिल पाई, मतलब कुछ लोग घर चले गए, बाहर नोटिस बोर्ड पे लगा दिया। हाँ तो एक बोर्ड पे और एक इस दीवार पर, क्लासरूम के अंदर जहाँ लोग बैठते हैं उधर के नीचे इधर है ना, ठीक है इसको बाहर यहाँ रखो मेरे पास, बच्चे खुद उठा लेंगे। 11 का भी क्या निकाल ही दो, उसमें नीचे के नीचे है ना, मिटा दूँ मिटा दूँ। क्या हो गया? कहो ना क्या हो गया, कहना है कुछ कह दो दीदी। अरे सुनो ए भैया, अरे सुनो भाई सुनो, ये जो 28 लिखा है ये 14 × 2 है, 3 है, 2 × 13 है, 11 है, तो ये मुझे 14 दिखता है, 13 दिखता है, 12 दिखता है, 11 दिखता है, सबसे बड़ा है। R बराबर 7 लिखने वाले हाथ उठाओ। ले दीदी ले, ले दीदी ले, तुम ही से नहीं बना, ले हाथ उठा हाथ उठा। दोनों मिल्खा से भी नहीं बना। अरे 12 का मिल्खा आया कि नहीं? मनमीत लिखो साहब लिखो, इसे कहते हैं धांसु धमाका मेथड। अरे नैना दीदी कुछ कह रहे हो क्या? दिव्यांशी दीदी क्या कह दो दीदी, कुछ कहना है तो गर्ग साहब से बनाइए, फिर बादाम खाया करो, सुबह सुबह उठ के चाउमीन खाने लगते हो। हाँ पास्ता मिटा दूँ, इसको मिटा दूँ, मिटा दूँ ना। एन और आर में ये रिश्ता क्या कहलाता है? अरे मेहता तुमसे पिछला बना था कि नहीं बना? बन गया था आर बराबर 7, वहां तक तो सबसे बन गया था, ये आर 7 आया था तेरा। अच्छा अच्छा मेहता कह रही है तुमने कर दिया, नहीं तो मैं कर ही देता है ना, वो तो न्यूटन ने कैपिटल जी की खोज कर दी, नहीं तो मेहता कर ही देता है ना, करो ना। एन बराबर आर माइनस 3 किस किस का आंसर आ गया? अरे करो ना जल्दी करो, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 लिखेंगे, उसके सामने लिखा है आर माइनस 3 आर माइनस 2 आर माइनस 1, फर्स्ट को फर्स्ट से इक्वल कर दिया। एन बराबर आर माइनस 3 है, फर्स्ट को फर्स्ट से करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा कहलाएगा कि मंजिले को मंजिले से खत्म ही करो, इधर का मंजिला इजिकल टू इधर का मंजिला। तो एन एन माइनस 1 इधर आर माइनस 2 है, एन माइनस 1 इजिकल टू आर माइनस 2। अरे हा ना, एन प्लस 1 बराबर आर है ना, क्योंकि इधर से फर्स्ट कंफ्यूज कर रहा, मंजिले को मंजिले से कर दो। क्यों आर बड़ा होना चाहिए? अरे आर छोटा होना चाहिए, आर बड़ा हो रहा है इसमें। बोल मेहता क्या कहना चाह रहे हैं? हैं हैं गलत सोच भैया, पहले को पहले से नहीं करेंगे। एन माइनस 1 एन माइनस 2 इज इक्वल टू ये बड़ा है ये मंझला,
और ये छोटा, इसमें कौन है? R-3। छोटा मंझला। तो ये बड़ा है, ये छोटा है। हाँ, तो n बराबर क्या? तो 1 बराबर क्या? इसका मतलब r बड़ा हो गया किससे? तो मेहता जी कह रहे हैं कि आर तो छोटा होना चाहिए इनसे। हाँ है ना, 11th में इनाम चालू है। हाथ उठाओ। अरे आर बड़ा होना चाहिए ना, कि छोट आर इधर बड़ा हो गया, आर तो हमेशा छोटा होना चाहिए। कहाँ मेहता, कहाँ दूसरा मेहता, कहाँ है? आप बैठे हो ना भाई, ऐसे ऐसे सवाल करते हैं ये। वो साइज में बड़े भैया है, सच में छोटे हैं? ये बड़े भैया हैं, सच में साइज में छोटे हैं? भैया राज दुलारे, एन पी आर इकट्ठा लिखा होना तब एन बड़ा होना जरूरी है आर से। ये अलग घर है, ये अलग घर की दूसरे घर की मम्मी है। वो एक ही घर में ऐसा हो तो होता है कि मम्मी की उम्र पापा से छोटी होनी चाहिए, मगर ऐसा सचिन के घर में नहीं होता। सचिन तेंदुलकर, उसकी पत्नी 8 साल बड़ी है उससे। नहीं मालूम आपको? नहीं मालूम? दीदी कितनी खुश हो रही। मिटा दो इसको। लो क्वेश्चन, 10 PR इज इक्वल टू 9 P5 प्लस 5 × 9 P4। आर बताना है, बातें ना करो। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? बातें ना करें। 9, 8, 7, 6, 5 प्लस 5 × 9, 8, 7, 6। 9, 8, 7, 6 कॉमन। आर बराबर 5 वाले हाथ उठाओ। भैया ये वाले मेहता का आंसर आया, उस मेहता का नहीं आया। अच्छे से हाथ उठाओ। ले नखुन मत खाओ। नखुन खाना पसंद है क्या? नहीं कहो, बोलो सर। हाथ उठा के रखो। सीताराम सीताराम, बधाई हो। लिखो जल्दी फटाफट। मिटा दूं, मिटा दूं? लियो अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन। एन सी आर माइनस 1 36 एन सी आर 84 एन सी आर प्लस 1 126 फाइंड एन एन आर। बातें न करें, बातें न करें, बातें न करें। चलो, अरे क्यों बतिया रही हो दीदी? कितने लोगों का एन एंड आर आ गया? क्या आया? एन 9 और आर 3। 9 एंड 3 वाले हाथ ऊपर करो। 9 एंड 3 के अलावा वाले हाथ ऊपर करो। लो हाँ, क्या आंसर आया भाई? 4 और 1 बीच वाले में रखना, 4C 184 होता है क्या? अरे गोलू है, क्या नाम तुम्हारा? मुक्तांश शाह। नखुन मत खाओ। अरे बहुत से लोग खा सकते हैं, अकेले आप पे रजिस्टर्ड हो क्या खा सकते हो? दीदी इतनी टेंशन में कि मैं तो खा ही नहीं रही, और किसको कह सकते हैं? कॉपीराइट है क्या? अरे राम राम राम। N9 और R3 है ना? 9 एंड 3 वाले फाइनल हाथ उठा दो। आ चुका हो तो ही हाथ उठाओ।
अरे ये क्या हुआ? अरे यार आज फिर बलभद्र नहीं आया, नहीं तो वो कर देता। रमाणी भी नहीं आया आज, नहीं आया ना, कर ही देते ये लोग, है ना। लो फिर आंसर नहीं आया बहन बेटियों का, नहीं फ्रंट लाइन की बहन बेटियों का नहीं आया, फोर्थ लाइन की बहन बेटियों का भी नहीं आया। बधाई। और तुम साथ साथ में क्यों बैठ गए? बलभद्र ताइड है गौरव दक्षिणी, हटो अलग अलग दूर दूर, हटो जल्दी। बड़े गौर से देखना, बड़े गौर से देखना, इधर देखना। हेलो हाय। एन सी आर प्लस वन अपॉन एन सी आर इज इक्वल टू 126 अपॉन 84। बड़े ध्यान से देखना, जिनका आ गया आंसर वो भी देखना। अब जरूरी नहीं है कि तुम हर बार वही लिखो कि एन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हर बार, जो एक्चुअल है वो भी कभी कभी यूज कर लिया करो। इसमें से इसको घटाना है एन माइनस आर माइनस वन, एन सही है। वेरी फेमस कंसेप्ट। स्पेलिंग सही लिखी गलत लिखी? अमीरी सही लिखा? मैं भाषा से गरीब हूं, अमीरी गरीबी। अरे यस ठीक है ना, मैं कार से जा रहा था, अमीर आदमी। कार कार होती है, फाइनली जीत जीत होती है। भाजपा की हुई गुजरात चुनाव में, वोट का डिफरेंस क्या था उससे क्या लेना देना, जो जीता वही सिकंदर। तो मैं कार से जा रहा था और आप पैदल जा रहे थे, गरीब इंसान, टक्कर हो गई। अरे यस गरीब आदमी जान से गया। अरे यस भीड़ ने मुझे घेर लिया, नैनो तोड़ फोड़ दी, मेरे कपड़े फाड़ दिए और मुझे पुलिस के हवाले कर दिए। अरे साहब लाइसेंस है मेरे पास, मेरी गाड़ी का आरटीओ है, मेरी गाड़ी का बीमा है, एक्सीडेंट होते रहते हैं, मैं क्या करूं उसमें? तो गरीब आदमी जान से गया, क्या अमीर आदमी के कपड़े फटे? आर प्लस वन अमीर है कि आर अमीर? गरीब आदमी जान से जाएगा, अमीर के सिर्फ कपड़े फटेंगे। अब ये अमीर है कि ये अमीर है? तो ये गरीब जान से जाएगा, ये दोनों कौन है? ये दोनों ओल्ड सिटी में एक इलाका है उसका नाम इस्लामपुरा, इतवारे को काली घाट से जोड़ने वाली बीच की छोटी सी गली, उसमें सारी दुकान भैंसों की है। हाँ जितने भी घूमते हैं सब जेब में छुरी लेकर ही घूमते हैं। और ऐसे दो लोगों की लड़ाई हो गई, दोनों ने एक दूसरे को छुरी पिरो दी, दोनों सेम ताकत के, दोनों मारे गए क्या? अरे हाँ ना, सही है सही है। क्या बचा ये घूम फिरा के? वो कटेगा क्या? क्या कटेगा? अरे काटा पिटी करो ना मन में, 3/2। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? इक्वेशन, इसका नाम क्या? अब हम इसको इससे डिवाइड लगवाएंगे, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू 84 अपॉन 36। अरे हाँ हिंदी भाषा है, तुम हिंदी भाषा में हंस रहे हो। तो ये है फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर माइनस वन, एन माइनस आर प्लस वन। ये बराबर ताकत के, ये गरीब, यस ये काटापेटी करो, 12 सत्य 12 तीय। तो एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर इज इक्वल टू 7/3, 3n माइनस 3r, उधर 7r, इधर आया माइनस 10r इज इक्वल टू क्या?
इसका नाम इक्वेशन टू, इसका नाम इक्वेशन वन, दोनों को अपन सॉल्व कर लेंगे। अच्छा खास बात, मैंने इसमें इसका डिवाइड नहीं लगाया, मैंने इसमें इसका लगाया, इसमें इसका लगाया, ऐसा क्यों किया? यहां गरीबी और अमीरी का फासला सिर्फ एक कदम का होना चाहिए। तुम चाहो आईआईटी निकाल लो, तुम अमीर हो जाओ। अब यदि तुमने इसका इससे कर दिया तो मान लो यहां आर प्लस वन है तो यहां आर माइनस वन होगा, या आर प्लस टू है दीदी, मतलब यहां दो का डिफरेंस आ जाएगा, फिर ही अमीरी का अमीरी कंसेप्ट फेल हो जाएगा। क्यों? तुम आज भी पैदल ही चल रहे हो, मैं अब हेलीकॉप्टर में चलता हूं, अपना एक्सीडेंट ही नहीं होगा। नहीं समझा? तो दीदी ने माथा पकड़ लिया, किस पगले से पाला पड़ गया है। लिखो जल्दी, लिखो रे बाबा, बातें ना करें तो ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखना, वेल फेमस कंसेप्ट, अमीरी गरीबी कंसेप्ट। ये पीछे वाली गर्ल्स क्यों बातें कर रहे हैं भाई, तुम अभी तक जुदा नहीं हुए? अरे बीच में कोई बैठो भाई, उधर मिटा दिया जाए। एक कहावत है, यदि कोई काम आप बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो आप उसे खुद कीजिए। वो बहन बेटियों को तो बिल्कुल मत कहिए, है ना? नैना दीदी कह रही है अच्छा है, मत कहो। गेट बंद करवाया दीदी, एक साथ पूरा नारी समाज को बदनाम कर दिया दीदी तुमने। आपसे कह रहे हैं कि सुहाग में पांच अक्षर हैं, उनका उपयोग करके कितने शब्द बनेंगे यदि, पहला कोई रोक टोक नहीं, 25 बनेंगे एक पगला के एरिया, पांच लोकेशन है, पांच अक्षर है, आप चाहो तो अक्षर से पूछो या कुर्सियों से पूछो, तो इस कुर्सी के पास चॉइस। अच्छा कुर्सी भी अबला, अक्षर भी अबला, एक कुर्सी दो अक्षर नहीं बैठा सकती और एक अक्षर दो कुर्सियों पे फैल के बैठेगा नहीं, तो किसी से भी पूछो चलेगा, मगर किसी एक से पूछ के आंसर लिख देना। तो पहले कुर्सी पे चॉइस पांच, बैठ गया कोई, अब चार, फिर तीन, फिर दो, फिर एक, तो इसको कहा जाता है, सरल क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, नो रिपीटेशन सभी क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, अगले सभी क्वेश्चन में एप्लीकेबल है। सभी शब्द एस से स्टार्ट हो, तो ये जो बॉक्स है ना, इसमें मैंने एस पे किल ठोक दी तो चार अक्षर और चार कुर्सी, तो 4p4 24। अब की बार दो किल ठोकेंगे तो 3p3 factorial 3 6। स्पेलिंग सही लिखी गलत लिखी? ये वाला छत का पंखा किसको जरूरत है, किसी की नहीं ना, बंद कर भाई। किसने मांगा था? कितने लोगों के पास कुछ आंसर आया? कितना? 12 वाले हाथ ऊपर करो, बाकी नीचे कर लो, हाथ नीचे करो सब लोग, 12 के अलावा वाले हाथ उठाओ। हाँ बोल भाई, 48, वेरी गुड, 48 दो लोगों का आया। तो क्या नाम तुम्हारा भैया? तनिष्क, कनिष्क चौधरी, कनिष्क चौधरी ना, शैली खरे, शैली खरे दीदी समझाएंगी 48 आंसर कैसे आया। खड़े हो जाओ दीदी, दुनिया सुनना चाह रही है आपको। हाँ नहीं नहीं, फर्स्ट पोजीशन पे कौन कौन आ सकता है, और सेकंड पे, और फोर्थ पे, तो कोई एक तो बैठ चुका होगा ना सेकंड पे। हाँ दीदी, शिफा खान। हाँ ऐ सुनो ध्यान से, हाँ दीदी कहो। ओ दीदी का आंसर 2 factorial, इवन पोजीशन के लिए दो लोग हैं, ऑड पोजीशन तीन है, कंसोनेंट्स भी तीन है, तो 2 का factorial 2, 3 का factorial 6।
दीदी ने 3 + 2 8 कर दिया। ऐसे में लोग मुझसे झगड़ते हैं, पिछले ही लेक्चर की बात है, अभी दूर की कोई बात नहीं है। जय दीदी झगड़ी थी, राम राम राम। मैंने तो अभी तक सिखाया ही नहीं कि प्लस करो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हर जगह मल्टीप्लाई करना है जीवन में, मल्टीपल होना, एडिटिव थोड़ी होना। अरे हाँ ना, अरे हाँ ना, अरे मिटा दूं। आइए, ऑड पोजीशन को मैंने ओवन बना के लिखा, इवन पोजीशन को बॉक्स बना के लिखा। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन। इस पर बैठने वाले उम्मीदवार कौन कौन ही? अंकल और आंटी, यूर है। और इसके उम्मीदवार है 3 छोटे छोटे बच्चे, मेरे नाम में ही पूरी फैमिली। अरे हाँ कि ना, सही है। तो ये 3 लोगों को बैठने की 3 कुर्सी, इनकी था क्या इसमें? डन मालिक, आगे बढ़ो। ये अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि जो सम स्थान है, मतलब दूसरा स्थान और चौथा स्थान, इस पर व्यंजक जरूर बैठना चाहिए। व्यंजक बोले तो कंसोनेंट्स, स्पेलिंग सही लिखी गलत लिखी? अटेंडेंस में साइन जल्दी जल्दी करो। क्यों, तुम दोनों टेस्ट दिए बगैर भगे आए क्या? टेस्ट था ना आज, मिलखा क्यों, फिर क्या करा? टेस्ट कैंसिल हो गया, सुहाग की क्लास के सामने सब कैंसिल हो जाता। अरे मैंने सुना विंटर वेकेशन चालू होगा। अच्छा, इस साल विंटर वेकेशन नहीं है? कहना ये पगला लंबी लंबी क्लास लगाएगा। अरे इवन पोजीशन इज रिजर्व्ड आरक्षण फॉर कंसोनेंट्स। बताओ SC ST का कोई बच्चा AIR 1 हो जाए, तो SC ST की मान लीजिए कि टोटल जो 10,000 सीट है, उसमें से मान लो कि 500 सीट SC ST की होगी, लेट कंसिडर। तो वो बच्चा चूंकि AIR 1 है, हमेशा 2 रैंक लिखी हुई आती है हर बच्चे की, जैसे ये है तो इसकी ऑल इंडिया रैंक 253 जनरल में है और 27 OBC में है। तो अब वो तो AIR 1 है साहब, तो SC ST में भी 1 हो गया और जनरल में भी 1 हो गया। अरे कोई MP टापर है, हम उससे पूछे तुम्हारी भोपाल में क्या रैंक लगी? अब जब वो MP टापर है तो फिर उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो? तो अब वो जनरल में AIR 1 होके बैठा है, तो SC ST में तो 1 होगा ही ना। अब मान लो कि SC ST की सीट ही 500 है, वो पढ़ाई में वैसे ही बहुत तेज है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे जो समझदार नेता होंगे SC ST के, वो उसे सलाह देंगे कि तू जनरल की सीट से उठा IIT बॉम्बे कंप्यूटर ब्रांच, जिससे कि वो जो 500 है वो हमारे लोगों के लिए बची रहे। तू AIR 1 है, तू कोई से भी उठा सकता है, समझ रहे हो आप बात को? तो उस पर आधारित क्वेश्चन है। कंसोनेंट 3 3 है, SHG। रिजर्व सीट कितनी है? सिर्फ 2 ही है, सेकंड और फोर्थ। तो सेकंड और फोर्थ भरा गई, अभी भी कंसोनेंट खड़ा है, बाकी की 3 सीट के लिए कोई रिजर्वेशन थोड़ी है, वो जनरल है, कोई भी आओ बैठो। तो वो कंसोनेंट जाएगा उस सीट पे। अब करिए, ये है क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन आया क्या मेरा समझ में? मैंने बनाया होममेड। हाँ साहब, क्या आंसर आया? अभी 12 12 आ रही था, कितने लोगों का 36 आया? लहुल लहुल।
हाथ उठा के रखो, हाथ उठा के रखो। 1, 2, 3, 4, 5 बहन बेटियों का नहीं आया। क्या नाम दीदी का? आयुषी सोनकर, जिसका आंसर नहीं आया। और क्या नाम दीदी का? हेलो हाय, हिलाओ दीदी को थोड़ा। हाँ दीदी, हाँ। श्रुति दास का भी नहीं आया, और प्रीति सिंह का भी नहीं आया, और मानसी माथुर एमएम का भी नहीं आया, सिपा खान का भी नहीं आया, लाहुल वलाकु तुम्हारा, उत्कर्ष दुबे का भी नहीं आया, शशांक चिल्पी का भी नहीं आया, और हाथ उठा हो रहा था, नमन मुकाती का नहीं आया। उसके बगल वाला कौन, डीवीडी है ना, डीवीडी है उसका नाम, द्विवेदी अपूर्व का, तो हाथ उठा के रख। डांगी का भी नहीं आया, नरेंद्र मोदी सिंह डांगी 24 आया। अब मुझे तो मालूम ही नहीं है ना कि 36 सही है कि गलत है, वो तो 36 वालों ने, इतने सारों ने हाथ उठाया, तो मैंने सोचा प्रजातंत्र, जनता जो चाह रही वो फैसला कर दिया जाए, तो 36 आंसर मान लिया जाए, आंसर जो भी हो जनता ये कह रही है तो मान लिया जाए, इसे क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। अरे हाँ ना, यही होना चाहिए, जनता जो कह रही वो मान लिया जाए, प्रजातंत्र। अरे हाँ ना, अरे हाँ ना, अरे यस मालिक, अरे हाँ हाँ। तो इवन पोजीशन कौन कौन सी है भाई? ठीक है, यहां उम्मीदवार कितने हैं तो सुनो, पहले हम इससे पूछेंगे तेरी कितनी चॉइस, फिर इससे पूछेंगे, अभी भी मान लो ये बैठ गया, ये बैठ गया, ये खड़ा, तो ये जी बच गया और वो अंकल आंटी तो है ही है ही, तो तीन लोग क्या, तो 3 × 2 × f(3) लिखो इसको जल्दी फटाफट, बातें ना करे, इसको लिख ले भाई। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिख ले, अगला गोलू लिखो। इफ वॉवेल्स आर टुगेदर, यदि स्वर साथ साथ रहें, यदि स्वर साथ साथ रहें, ये कन्फर्म भाई की आवाज थी ना, दीदी तक गवाही दे रही कि भाई की आवाज थी है। क्या करो भाई, क्वेश्चन करो तुम तो। वावल्स आर टुगेदर, बातें न करें, अरे बातें ना करें, तुम दीवार से दूर हटके बैठो तो टिकना मना है, टेको पे टिकना मना है। अरे आयुष शर्मा तुम इतनी दूर, रिम झिम के आए, देखना बड़े गौर से, ध्यान से देखिएगा, कितने लोग हैं, कितने लोग साथ साथ रहना चाहते हैं, तो एक्चुअली ये 5 लोग टाकिज में फिल्म देखने गए, और टाकिज में कुर्सियां नहीं है, पुराने जमाने, एकदम पुराने पुराने जमाने की बात है, तो ऐसे पट्टी लगी हुई है, बेंच, और ये 5 लोग को साथ में बैठना, तो अंकल है, आंटी है, और 3 बच्चे। अरे हाँ, अंकल आंटी साथ में बैठना चाह रहे हैं। अरे यस, अरे वो गेट पे चेकिंग होती है ना, तो अंकल की जेब में गुटखा पकड़ा जाता है, तो अंकल ने गुटखा आंटी के बैग में रख दिया, अंकल गुटखा दबा चबाते रहेंगे बैठे बैठे, है ना। तो हमने कहा किस किस को साथ में रहना, तो वो दोने हाथ उठाए, हमने कहा बाहर आ जाओ, उनको बांधा, नाउ वन पैकेट,
तो पांच में से दो लोगों को बाहर निकाला और एक पैकेट वापस। अब कितने लोग आइटम है, कितनी आइटम है? तीन बच्चे हैं और यूए का पैकेट है, तो चार आइटम है। ये चार आइटम इधर 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 उधर होने के कितने तरीके हैं? वो अंकल और आंटी ऐसा और ऐसा भी तो बैठ सकते हैं। इतना स्पष्ट कैलकुलेशन के साथ 48 आया हो तो ही हाथ उठा। बहुत सारे लोगों का नहीं आया। अगली क्वेश्चन। हाँ हाँ ब्रेक हो जाएगा भाई, अभी रिदम बनी है, फिर दोबारा मैं सब पूरी कहानी सुहाग की समझाऊं कि मेरे नाम में ही परिवार बसता। अरे आगे ना, दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जो भी नंबर का क्वेश्चन हो। इफ कंसोनेंट्स आर टुगेदर, यदि व्यंजक साथ साथ रहे। मुझे अनमोल कुमार अहिरवार कौन है, कौन सी क्लास के हो? 11 का है यार भाई, रुक जा, पेन लेना। ये अनमोल कुमार अहिरवार का जो नाम है ना, उस नाम को एडिट करो और उसके नाम में ही 11 लिख दो। एडिट नेम, नेम में ही 11 लिख दो। वो गलती से उसको ड्रापर का अलॉट है। रुको, अनिरुद्ध मेहता तो हटेगा लिस्ट से, तो लवि राजपूत को जाएगा इनाम, ठीक है ना? तो इसको मिलेगा, इसको हटाना नहीं है। इसको गलती से 11 के बच्चे को 12 का अलॉट है और एक ड्रॉपर का है उसको 11 का मिला हुआ है। टॉपर है निकिता पुरी, सेकंड टॉपर अमनदीप सिंह। किसी अमनदीप, नहीं नहीं मैथ्स में तुम्हारी सेकंड रैंक है, सॉरी फिजिक्स में सेकंड रैंक है, केमिस्ट्री में थर्ड रैंक है, मैथ्स में 13 है, और निकिता पुरी की मैथ्स में फर्स्ट है, ओवरऑल फर्स्ट है, मैथ्स अच्छा सब अच्छा, जबकि केमिस्ट्री में 11वीं रैंक है, फिजिक्स में 4थी रैंक है। अभय सिंह, अभय सिंह कौन है? किसे क्यों तुमने आज ध्यान नहीं रखा था, इतनी नकल हो गई। हाँ ये फिजिक्स में भी टॉपर, केमिस्ट्री में भी टॉपर, मगर मैथ्स में उनकी रैंक 36 है। अभिजीत यादव कौन है? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मैं ये कह रहा हूं ये नीचे से टॉपर है। तो टॉपर है निकिता पुरी, फिर उसके बाद अमनदीप सिंह, फिर अभय सिंह, फिर कार्तिक चौरसिया, सृष्टि सोनी, निशिता परांजपे, अनमोल कुमार अहिरवार, राम सागर तिवारी, हिमांशु गुप्ता, अक्षय भारद्वाज शर्मा 10वें नंबर पे, और 10वें पर एक 12th वाला बच्चा भी है अनिरुद्ध मेहता, मगर उसको अमाउंट नहीं मिलेगा। तो एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, अरे लवी को भी कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ 10 बच्चे हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बच्चे हो गए, और 10वें वाले के 116 है, लवी राजपूत 113 है, तो उसको थोड़ी मिलेगा। एक्चुअली 8 पे रिपीट हो गए। लवी राजपूत कौन है भैया? तुम 11वें पे हो, 11वें वाले को थोड़ी मिलेगा। ले भैया लवी को नहीं मिलेगा, ठीक है, नाम में ही 11 लिख दो, लवी को कुछ नहीं मिला, फिर भी लिस्ट मुझे दिखा देना। भैया तुझे ब्रेक चाहिए, तू ले ले यार, जा इतनी जल्दी करोगे खुदा सोचेगा बहुत जल्दी आ जाओ। हर काम आराम से किया करो जिंदगी में, मतलब खुदा को ये मैसेज जाए कि आराम आराम से करो, तो खुदा भी आराम आराम से बुलाएगा। और हर काम में हड़बड़ी करो, खुदा कहेगा जल्दी है भाई मुझसे मिलने की। बोलो साहब, पांच कितने लोग इस बार साथ रहना चाह रहे हैं? एक्चुअली फिल्म बोरियत फिल्म है क्या,
जो फिल्म वो देखने जा रहे हैं वो एक शाहरुख खान रानी मुखर्जी की एक फ्लॉप फिल्म नहीं थी? नहीं, उसमें घरेलू झगड़े ही दिखाते हैं कि वो नहा के टावेल बिस्तर पे पटक दिया, बीवी झगड़ रही, वो बिस्तर गीला हो गया टावेल के चक्कर में, ऐसी एक घटिया, क्या नाम था, चलते चलते, कितनी अपडेट है मेरे देश की नारी। अरे यस, तो अब वो फिल्म देखने जा रहे हैं, बच्चों को रिपोर्ट मालूम है, तो बच्चों ने वो छोटा सा वीडियो गेम पुराने जमाने में नहीं होता था मैट्रिक्स, वो एक साथ में ले लिया और तीनों बच्चों ने सोचा अपन तीनों साथ बैठेंगे, एक बच्चा खेलेगा, गेम ओवर होगा, फिर दूसरा खेलेगा, तीसरा खेलेगा, आपस में खेलते रहेंगे, मम्मी पापा को फिल्म देखने दो। तो तीनों बच्चे कैसे हैं, साथ में बैठे हैं, तो पांच में से तीन को अपन बाहर ले आए, उनको बांधा वापस पैकेट बना के अंदर, तो कितनी आइटम हो गई, तीन, इसमें एक अंकल है, एक आंटी है और एक पैकेट है, तो ये तीन आइटम को इधर उधर नाचने के कितने तरीके। इनटू ये तीन बच्चे आपस में एडजस्ट हो सकते हैं, तब व्यवस्थित एक्सप्लेनेशन के साथ 36 है तो हाथ उड़ा। सभी बहन बेटियों का आ गया, मुझसे पढ़ोगी तो ऐसा ही होगा, वेरी गुड। फिर भी कुछ धरती के बोझों का नहीं आया। अभय सिंह उनका नाम है, सेकंड टॉपर है भाई, हैं? अब वो तो ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, कांग्रेस जीत नहीं पा रही तो ईवीएम खराब है, ऐसा थोड़ी होता। गोगिया भी नहीं, क्या नाम तुम्हारा, तो तेरा हाथ नीचे क्यों कर रही है नालायक। सबका आया भाई, सबका आया आंसर। जो अगला क्वेश्चन, दो मिनट रुक जाओ, रिदम पे आइए गाड़ी। हाँ, डंडन डंडन। अरे भैया, सोनू भैया, ये बैटरी खत्म हो चुकी है, हो सकता आज के लिए भी नहीं हो। नहीं नहीं, तुम तो तीन पैकेट लाना, दो पैकेट मेरे लिए, एक उस रूम के लिए। हाँ कल कल। अगला क्वेश्चन ले हो, तुम लोग क्यों थक जाते हो बे, कैसे देश के युवा हो। मैं मालूम 9 से 12 भी पढ़ा के चला आ रहा हूँ और अभी 8 बजे तक और पढ़ाता रहूँगा, 8 बजे भी आप एनर्जी का लेवल देख लेना, तुम सोचो तो सही क्या क्या अनशन खाते हो, उस चक्कर में एनर्जी का लेवल डाउन हो जाता। अगला क्वेश्चन लिखिए, मैं मन से बना रहा हूँ, लिखिए। वावल्स नॉट टुगेदर, सुनो, जगह छोड़ छोड़ के लिखो, ये एक क्वेश्चन लिखा, इसके नीचे 5 लाइन छोड़ दो, फिर अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, ऑल 3 कंसोनेंट सेपरेटेड, फिर 5 लाइन छोड़ के अगला क्वेश्चन लिखो, ऑल 3 कंसोनेंट्स नॉट टुगेदर, नॉट को हाईलाइट कर देना, ऑल 3 कंसोनेंट्स नॉट टुगेदर, इसी को ओ आर और करके एक और रूप लिखो इसी क्वेश्चन का, ओ आर और करके उसी क्वेश्चन को, एटलीस्ट 1 कंसोनेंट सेपरेटेड फ्रॉम अदर कंसोनेंट्स, एटलीस्ट 1 कंसोनेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर कंसोनेंट्स। अब मेरी बात सुनो, सबसे नीचे वाला क्वेश्चन अपन सबसे पहले सॉल्व करते हैं। दरअसल क्या हुआ, ये जो तीन बच्चे हैं बड़े शैतान, ये कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बालकनी में बैठ के फिल्म देख रहे हैं, और खाली बॉटल जो नीचे लोग बैठे रहते हैं उनके ऊपर फेंकते हैं। आपको पुराने जमाने की आपने टाकी जी कहाँ देखी, ऐसा सबसे सस्ती वाली, ऐसे 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 ऐसे, और एक उसके ऊपर एक लेयर चलती है जो आधे तक आती है, बालकनी जिसे कहा जाता, सबसे महंगी वही होती है, उधर से कोल्ड ड्रिंक पी बॉटल नीचे, तो टाकेज वाला सबको बाहर कर देता है। तो माता पिता ने बोला कि ये लोग साथ रहते हैं इसलिए इनकी संगठन की शक्ति है, इनको जुदा जुदा कर दो, जातियों में तोड़ दो, पाटीदार अलग, पटेल अलग, SC अलग, ST अलग, कांग्रेस ने यही तो किया। तो माँ बाप ने फैसला किया कि एटलीस्ट 1 चाइल्ड सेपरेटेड फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। अरे हाँ, अरे हाँ ना। और ऊपर वाला क्वेश्चन क्या, बीच वाला मतलब तीसरे में क्या है, जब वो मतलब सिर्फ एक को अलग किया, दो साथ में है तो भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। माँ बाप ने कहा कि अगली बार जाएंगे तो तीनों जुदा जुदा, तो फर्क है, एटलीस्ट 1 सेपरेटेड मतलब
बड़े ध्यान से देखना, ये तीन टीचर हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिलके पढ़ाते हैं, अच्छी कोचिंग चल रही है इनकी। कॉम्पिटिटर क्या सोचता है, तोड़ो इनके ग्रुप को, इसलिए इनकी तरक्की। तो एटलीस्ट वन सेपरेटेड फ्रॉम अदर, तो एटलीस्ट वन सेपरेटेड फ्रॉम अदर में क्या हो सकता है, ये भी अलाउड है, ध्यान से देखना, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है और ये भी अलाउड है। चार केस हो गए, ए अलग बी सी साथ में, बी अलग ए सी साथ में, सी अलग ए बी साथ में, या तीनों अलग, चार चार केस हैं जब एटलीस्ट वन सेपरेटेड फ्रॉम अदर बोला जाए, ओ आर और ऑल नॉट टुगेदर बोला जाए। इसका एग्जाम्पल दो, कौन बर्बाद हुआ इस चक्कर में, आरपी इंदौर नंबर वन कोचिंग रैंकर पॉइंट, उसमें सबसे पहले मैथ्स वाले भाई साहब अलग हुए, आदित्य फाटक, आदित्य पाठक, उन्होंने भोपाल में आके कोचिंग खोली आरपी, आरपी भोपाल। उस आरपी भोपाल शब्द में आरपी का फुल फॉर्म क्या था, रैंकर पॉइंट नहीं था, उनकी बिटिया का नाम था रिदिमा पाठक, इस कदर कंफ्यूजन क्रिएट किया था। तो उधर पी और सी कमजोर पड़े, इधर अकेला मैथ्स लड़ नहीं पाया, ऑलरेडी भोपाल में बैठे थे बड़े बड़े लोग। चार साल में कोचिंग बंद, 5 करोड़ के नुकसान के साथ, जितना जिंदगी भर उधर कमाया था वो भी लुटा दिया भोपाल में, और फिलहाल फिट्जी भिलाई के कर्मचारी, मालिक आरपी का, टुकड़े हुए और वो फिलहाल क्या बना। ठीक, अब जो आरपी इंदौर वाली ओरिजिनल थी उसमें कौन कौन, फिजिक्स और केमिस्ट्री, वो लोग भी कमजोर पड़े, उस पूरी की पूरी कोचिंग को ही खरीद लिया एलन ने, और वो दोनों जो मालिक थे अब वो एलन के कर्मचारी। आपस में सहन शक्ति ना होना, फालतू में लड़ना कि हम पाटीदार और हम पटेल और हम ये और हम वो, और आपस में लड़ लें, तो थोड़े दिनों में पाकिस्तान का शासन भारत में और हम उनके कर्मचारी। समझ रहे हो आप गहराई आपको देशभक्ति सिखाने की, किसी की जाति कोई भी हो हम क्यों लड़े उससे बेमतलब। अरे यस यस, तो पहले सबसे नीचे वाले क्वेश्चन में क्या है, एक अलग हो सकता है, दो साथ में रह सकते हैं और तीनों अलग होंगे, वो भी काउंट करना है। बीच वाले क्वेश्चन में क्या है, तीनों एकदम अलग अलग, तीनों एकदम अलग अलग, कौन कौन, हमारे भारत देश में थल सेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष और वायु सेना अध्यक्ष अलग अलग है, और इन तीनों को एक टेबल पर अकेले कभी मिलने नहीं दिया जाता। यदि वो तीनों एक मत हो गए और उन्होंने कोई षड्यंत्र रच दिया तो तख्ता पलट पाकिस्तान का हर 5-6 साल में हो ही जाता है, क्योंकि वहां पर तीनों का अध्यक्ष एक होता है, मुशर्रफ, अयूब खान उसके पहले, जब मूड हुआ हट रहे नवाज, हम आज से राष्ट्रपति। अरे आर्मी का गनमैन खड़ा है सुप्रीम कोर्ट के जज के माथे पे बंदूक लेके, अब वो पेन चलेगी उसकी नहीं ना, अचानक रातों रात सब कुछ आर्मी के कब्जे में, इसे कहते हैं तख्ता पलट। और भारत में अब विचार किया जा रहा है कि तीनों के अलग अलग थे अध्यक्ष को हटाकर एक ही अध्यक्ष कर दिया जाए, ये विचार चल रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है ना कि वायुसेना मदद नहीं पहुंचाती थल सेना को, क्योंकि दोनों के अध्यक्ष अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग से रिपोर्ट लेते हैं कि यार उधर टेंशन हो रही है, एरोप्लेन भेजूं क्या मदद करने, थल सेना वाला परेशान हो रहा है। तो तीनों का एक होगा तो ये फायदा मिलेगा कि तीनों अपनी आर्मी एक साथ लड़के हमला करेगी किसी पे, मगर वो तीनों एक साथ मिलकर जनता पे भी कर सकती। ऐसे ऐसे विचार होते हैं अलग अलग देशों के, कुछ फायदे तो कुछ नुकसान। तो एकदम सेपरेट ये है बीच वाला क्वेश्चन। अच्छा, अब सबसे ऊपर वाले क्वेश्चन की क्या विशेषता है, उसमें मैंने दो डिपार्टमेंट क्यों नहीं बनाए, वो दो ही है, सिर्फ एक अलग करो या दोनों को अलग करो, बात तो एक ही है। तो नीचे के जो दो क्वेश्चन है उसमें दो मेथड है हमारे पास, सबसे नीचे का मेथड अलग, बीच वाले का अलग, मगर सबसे ऊपर वाले क्वेश्चन में
कोई सा भी मेथड यूज करो आंसर हर बार सेम आएगा, क्योंकि वो दो ही है, अलग होने का एक ही तरीका, तलाक 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 क्या? अरे यस यस ठीक। तो ये तीन क्वेश्चन आप ब्रेक में सोचना, ठीक, एक क्वेश्चन और पांच लाइन छोड़ के लिखो, इसको भी ब्रेक में सोचना, खाना खाते खाते सोचना, है ना। लिखिए साहब, टोटल TOTAL 120 वर्ड्स बनेंगे, ये सुहाग के अक्षरों को आगे पीछे कर करके कितने शब्द बनेंगे, 120। इफ वी अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी, ब्रैकेट में लिख दीजिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन फाइंड रैंक ऑफ वर्ड सुहाग, तो सुहाग की रैंक क्या लगेगी। यस, एक क्वेश्चन सिर्फ मन में सुन लीजिए, क्योंकि ये पता नहीं कितने पेजेस खाएगा, आखिरी वाला क्वेश्चन तो बहुत पेज खाएगा। तो एक क्वेश्चन क्या है, एक और शब्द की रैंक निकालना है यदि उसके सारे अक्षरों को विदाउट रिपीटेशन अपन ऊपर नीचे करें, आगे पीछे करें, तो जितने शब्द बनेंगे सबको डिक्शनरी में जमा दिया तो क्या रैंक लगेगी। स्पेलिंग सही है कि गलत है, हैं? सुहाग गन में एक्चुअली डबल ए हो जाएगा, और तुमको मैंने सिमिलर लेटर्स का परम्यूटेशन अभी नहीं सिखाया, इसलिए मैंने क्या कर दिया, नागिन नहीं सुहागिन, हाँ कुछ भी बोलते हो यार बेटे बेटे, हद होती, वो कह रही है सुहागन में GUN होगा, बंदूक लेके घूमती है वो। अरे मेहता, अरे मेहता, मम्मी के पास कितनी बंदूक है, नहीं है, है? हाँ तो भैया समझते नहीं है ना, तो इसकी भी रैंक बताना है, तो इसको कहीं मत लिखो, बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप ब्रेक ले लो, 4:01 हो गया, 5 तक नीचे यदि कोई जाता है तो अभी अटेंडेंस होगी, हम उनके माता पिता को फोन कर देंगे कि तुम्हारा बच्चा नीचे गया, वापस नहीं आया, या बाहर जाओ तो रजिस्टर रखवा बाहर, उस पर साइन करवा के जाओ। दीदी हटना, हेलो हाई,